देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया। आंदोलन में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यह आंदोलन किया गया और गैस सिलेंडर की शोक यात्रा भी निकाली गई। दिन प्रतिदिन देश में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, ईंधनों की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में मध्यम वर्गीय तबका परेशान है। ईंधन की कीमतें साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफे के विरोध में आज नागपुर के गीतांजलि चौक पर यूथ कांग्रेस द्वारा धरना आंदोलन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ स्थानीय नेता भी शामिल हुए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचा व नागपुर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी नैश नुसरत अली और वसीम खान की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस वक्त गैस सिलेंडर की शोक यात्रा भी निकाली गयी। हमारे युवक कांग्रेस के वसीम भाई, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नैश अली और सभी कांग्रेस के मध्य नागपुर के हमारी तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से जो सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, इस हेतु आज हमारे कार्यकर्ताओं ने नागपुर के गीतांजलि चौक पर एक आंदोलन किया, जिसके अंदर हमने यहां पर रोड के ऊपर बढ़ते हुए सिलेंडरों के दाम को जताता हुआ एक ओरिजिनल फोटो हमारे मित्रों ने यहाँ दिया। दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से आई है, गरीबों का जीना दुभर हो चुका है। जो सिलेंडर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 450 के ऊपर कभी बढ़ाया नहीं, यह सरकार ने, मोदी की सरकार ने 1042 रुपये तक का यह सिलेंडर आम आदमी को देने का जो निर्णय लिया, हम इसका यह निषेध करने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, उसे यह काम करने का साथ साथ सिर्फ सिलेंडर के लिए आज घर से 1000 और 1100 रुपये देना पड़ रहा है, यह शर्म की बात है। इस देश के अंदर जब से यह सरकार आई है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, सबका जीना दुभर हो चुका है। और मुझे यह बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि हम इसका विरोध करने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया, जो अब यह नहीं थमेगा। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने चाहे अनाज हो, चाहे तेल हो, चाहे सिलेंडर हो, सभी का दाम जो बढ़ाया है, ये हम चौक चौक में जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर आम जनता को बताएंगे और उनकी आंखें खोलेंगे और इस सरकार की नाकामी को उजागर करने का काम हमारे साथियों द्वारा किया जाएगा। आज यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, वो इस देश की, इतिहास की सबसे बड़ी फेलियर सरकार के खिलाफ हो रहा है, बीजेपी सरकार। आज हमारे यहाँ वसीम खान भाई और मध्य नागपुर के ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल भाई से लेकर के सारे लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज यहाँ पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं खड़े, ये आम लोगों की आवाज़ यहाँ पे खड़ी हुई। एक गृहिणी, एक महिला अपना घर कैसे चला रही है, ये सिर्फ वो जानती है। जब सिलेंडर केवल 416 से लेकर के 465 रुपए तक हुआ था, तो स्मृति ईरानी रोड पर बैठ के तमाशे करती थी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट में देती थी। ठीक है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कांग्रेस की सभ्यता नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा? नरेंद्र मोदी जी को देश की महिलाओं की आवाज़ या बढ़ते डीजल और पेट्रोल के रेट क्यों नहीं दिखाई देते? ये सिर्फ एक पैसे वालों की सरकार है जो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। हम यहाँ पर इसका पूरी तरीके से निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। मेरे भाई वसीम खान ने आज ये आंदोलन लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो सभी युवा हैं,
हमारे मोतीराम भैया है, बाकी सभी युवा लोग हैं, फिरोज भाई वगैरह सभी लोग हैं अपने यहाँ पर। आज ये क्यों खड़े हुए यहाँ पे? आज नागपुर में जो टेम्परेचर चल रहा है उसके बावजूद भी आंदोलन हर दिन हो रहा है कहीं ना कहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को त्रस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अचानक से टीवी पर प्रकट होते हैं, अपने मन की बात करते हैं और छुअंतर हो जाते हैं। उनको बोलिए देश की मन की बात करो, देश के लोगों की मन की बात करें, देश की महिला किस स्थिति में है उसकी बात करें, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे उसकी बात करें, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा उस पर बात करें। आप जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते? इस वक्त हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से भी नीचे, तो हम कॉम्पिटिशन केवल पाकिस्तान से करेंगे क्या? हम इस देश के वासी है, हमने यहाँ के लोगों ने आपको चुन के लाया है। आप एक संवैधानिक भारत के सबसे बड़े पद पर हैं, लेकिन आप उसको जैसे दरकिनार कर रहे हैं। आपको देश के युवा नहीं दिखते, देश के किसान नहीं दिखते, देश के श्रमिक नहीं दिखते। जब यूपी चुनाव आपको दिख रहा था कि करीब आ गए, तो अचानक से आपको कृषि कानून वापस लेने का विचार आ गया। 750 किसान वहाँ मारे गए, आपने 750 शब्द संवेदना के नहीं बोले साहब। आज का जो मुद्दा है आप उस पर बताइए। आज सर हम लोग त्रस्त हो चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से इस सरकार का विरोध करते हैं। गैस सिलेंडर जो ये है ये 1000 के पार हो चुका है। लुटेरों की सरकार, सिलेंडर 1000 के पार, यह हमारे आज के आंदोलन का शीर्षक है। आज यहाँ पर सभी लोग अपना घर बार छोड़ करके यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। माननीय श्री विकास भाई ठाकरे के आदेश अनुसार लिया गया है और हमारी महिला अध्यक्ष और हमारे महाराष्ट्र के महासचिव श्री अतुल कुटेजा जी भैया जी भी आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम नागपुर शहर युवक कांग्रेस के नेतृत्व में लिया गया है। आज का ये हमारा जो मुद्दा है, अब की बार गैस सिलेंडर 1000 के पार, तो ये नौबत आ गई है कि एक आम जो दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर है या जो एक मिडिल क्लास वाला बंदा है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है गैस सिलेंडर। तो हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमको जंगल और झाड़ कटने की परमिशन दे दो, तो हम लकड़ियाँ सुखाकर घर में चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि अब तो ये हाल आ गया है कि गैस सिलेंडर हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। चलो हम कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास कहाँ से अफोर्ड करेगा? यही हमारा मुद्दा है, हम ये मुद्दा जाने नहीं देंगे। जैसे अपोजिशन जब कांग्रेस सरकार में थी और जब 465 सिलेंडर का दाम हुआ था तो चूड़ियाँ लेकर स्मृति ईरानी बाहर निकली थी, तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? आज बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं वो कहाँ सो गए? आज वो बोलने का नाम नहीं ले रहे, लोगों को हिंदू मुस्लिम लाउड स्पीकर शिवलिंग अजान इसी में गुमराह कर रहे हैं। और जो मेन बेसिक मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, पूरी मार्केट इन्फ्लेशन आया हुआ है ना इंडिया में, कोई दिवाला निकलने की नौबत आ गई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। गरीब मरते जा रहा है, बद से बदतर हो रहा है। और ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है, रंगा जो मोदी और बिल्ला जो अमित शाह है, सिर्फ इन्हीं के फायदे के लिए सरकार बनी है, उन्हीं को फायदा है और गरीब बद से बदतर हो रहा है। इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम पहले भी बाहर निकले थे, आज मेरे साथ एक्स कॉरपोरेटर फिरोज खान साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम जी, हमारे शहर के वरिष्ठ महासचिव, ऐसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ेकर जी, राजा काका चिल्लाटे जी, विजय साकरे जी, ये खुद एचपी में काम करते हैं, खुद एचपी गैस में काम करते हैं। इनको पता है इनके घर की सिचुएशन क्या है। ये कमाते 8000 रुपये महीना है और 1000 का सिलेंडर 15 दिन में कहाँ से लाएंगे? तो हम आज यहाँ गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि आप सिलेंडर के दाम कम करो, नहीं तो हम ऐसी रोड पर आते जाएंगे और ऐसे आंदोलन हमारा जारी रहे। भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।